नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। जब वो पर्दे पर हीरो बने तो दुश्मनों को खामोश कर दिया, विलन का किरदार निभाया तो हीरो से ज़्यादा महफिल लूट ली। शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में डायलॉग बोलने का एक नया ही तरीका इर्जाद कर दिया। उनके मुँह से बोला गया हर संवाद खुद ब खुद दमदार लगने लगता था। 1969 में फिल्म साजन से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कालीचरण, विश्वनाथ, दोस्ताना, शान, क्रांति, नसीब और काला पत्थर जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। एक और वजह से उनका नाम खूब खबरों में उछला और वो नाम था रीना रॉय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सुभाष घई की फिल्म कालीचरण को खूब कामयाबी मिली थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट थी रीना रॉय। फिल्म हिट हुई और इसी के साथ इन दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी आने लगी। अखबारों और मैगजीन में रीना और शत्रु की प्रेम कहानी के किस्से छपने लगे। कहा जाता है कि दोनों अपने प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार रीना किसी काम के सिलसिले में लंदन गई हुई थी, तभी शत्रुघ्न ने पूर्व मिस इंडिया पूनम से शादी कर ली। ये खबर सुनकर रीना चौंक गई थी और तुरंत लंदन से वापस आ गई। इसके बाद वो सीधा शत्रुघ्न के घर पहुंची और उनसे जवाब मांगा। शत्रुघ्न की शादी के बाद रीना रॉय के साथ उनके संबंधों की खबरें बनी रही। शत्रुघ्न सिन्हा की किताब एनीथिंग बट खामोश, किताब में रीना रॉय और उनके रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। इस किताब की लेखक भारती एस प्रधान ने वो वाक्या भी बताया जब शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय की शादी की बात सुनकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे। किताब के मुताबिक पहलाज निहलानी ने जुहू के एक होटल में शत्रुघ्न को रीना की शादी के बारे में बताया। निहलानी की बात को सुनकर शत्रुघ्न ने रीना रॉय को फ़ोन किया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। निहलानी कहते हैं कि उन्होंने पहली बार शत्रु को इस तरह रोते हुए देखा था। हालांकि उन्होंने शत्रुघ्न को राय देते हुए कहा था कि रीना को जाने दो, शादी करने दो। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने यह बात मानी थी कि शादी के बाद भी उनके रीना के साथ संबंध थे। वहीं पूनम ने भी कहा था कि वो अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी। इसके चलते दोनों में टकराव भी हुआ, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। शादी के बाद शत्रुघ्न के दो बेटे लव, कुश और एक बेटी सोनाक्षी हुई। दिलचस्प बात तो यह थी कि एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की वाइफ पूनम ने इस बात का खुलासा किया था कि वे अपने पति और रीना के अफेयर के बारे में सब जानती थी। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम ने कहा था कि जब मुझे दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट गई थी, लेकिन शत्रु ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जिन पर वे विश्वास नहीं करते थे। मैं यह बात जानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेयर चला। पूनम अखबारों में रीना और शत्रुघ्न के अफेयर की खबरें पढ़कर दुखी होती थी। उन्होंने शत्रुघ्न को काफ़ी समझाया। शत्रुघ्न के सामने मुश्किल यह थी कि वो प्यार को चुने या शादी। दोनों के घर वालों ने मिलकर शत्रुघ्न को समझाया, तब जाकर रीना को छोड़कर पूनम को चुना उन्होंने और रीना को इग्नोर करने लगे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना के रिश्ते की बात को कबूलते हुए कहा था, रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गई, लेकिन मेरी माने तो यह बढ़ गई है। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल मुझे दिए। सोनाक्षी ने जब फिल्म दबंग से डेब्यू किया तो उनके लुक की काफ़ी चर्चा हुई और इसे रीना रॉय से जोड़कर देखा गया। कहा गया कि सोनाक्षी की शक्ल शत्रुघ्न की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय से मिलती है।
बॉलीवुड के गलियारों में तब यहां तक चर्चा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी के बाद भी रीना रॉय से मिलते रहे। सोनाक्षी की शक्ल रीना रॉय से मिलने की खबर ने सोनाक्षी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इतना ही नहीं, अपने पूर्व पति एवं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से अलग होने के बाद अपनी पुत्री सनम के साथ रहने वाली रीना रॉय के कानों तक भी जब सोनाक्षी से उनकी शक्ल मिलने की खबर पहुंची तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खबरों का खंडन किया। रीना ने कहा था कि सोनाक्षी का चेहरा उनकी मां पूनम सिन्हा से मिलता है। दबंग में सलमान खान ने सोनाक्षी को एक खास भारतीय लुक दिया था और सोनाक्षी से उनका चेहरा मिलने का यह एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।